हट भाई यार, ये डॉग है ना। तो गाइस मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसे मतलब वो रिएक्ट करता है। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी से ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर वी टॉकीज, दिस इज रिचा। और आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइस आज है 9 दिसंबर और आज है यूपी का फर्स्ट डे इन स्कूल। एक्चुअली पहले जो 5 डेज थे वो मोमेंट में सेशन का था और आज यूवी जो है वो फर्स्ट टाइम अकेला स्कूल गया है अपने पापा के साथ। तो आज उसका टीचर एंड मी सेशन स्टार्ट हो चुका है। 9:15 हो गए हैं और वो गौरव के साथ अपने स्कूल के लिए निकल चुका है। गौरव उसे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद वो ऑफिस चले जाएंगे। और 10 o'clock के अराउंड 1 hour का सेशन है। अभी 1 week तक या 10 days तक, जब तक बच्चा पूरा सेटल नहीं हो जाता, उनको 1 hour के लिए सेशन दिया जाएगा टीचर के साथ, ताकि बच्चा थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए स्कूल के साथ और बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए। तो अभी 9:15 का सेशन स्टार्ट है और उसके बाद मैं 10 o'clock यहाँ से निकलूंगी और उसको, जब तक वो थोड़ा एडजस्ट होएगा, सेटल होएगा, तब तक मैं उसे लेने चल जाऊंगी। आज थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, नहीं मान रहा था और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी, बट 1 घंटे का सेशन था तो मैंने उसे भेज दिया ताकि उसको एकदम से ऐसा फील ना हो, क्योंकि आज सारे बच्चे अगर वहाँ पर आए होंगे तो वो टीचर के साथ थोड़ा सा वो, क्योंकि कल सैटरडे संडे है तो ब्रेक और गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे आज भेज दिया। और अभी 10 o'clock के अराउंड मैं निकलूंगी यहाँ से। अब बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं तब तक सोच रही हूँ, जब तक यूवी अभी यहाँ नहीं है तब तक मैं कपड़े मशीन में डाल देती हूँ और थोड़ा बहुत जैसे ये मेस है इसे क्लीन कर देते हैं तब तक। और इतने में हमारा जाने का टाइम हो जाएगा, फिर हम जाएंगे यूवी को लेने के लिए। तो गाइस ये जो हमारा वॉशिंग एरिया है, ये बैठे हैं हमारे पिजन्स। और ये जो वॉशिंग एरिया है यहाँ पे हमने जाल नहीं लगवा रखा, तो यहाँ पे मंकीज भी आते होंगे डेफिनेटली। थोड़ा उथल पुथल कई बार लगती है मेरे को और यहाँ पे पिजन्स तो आते ही, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी जाल लगवाना पड़ेगा। लोगों ने यहाँ पे जो वॉशिंग एरिया में जाल लगवा रखे हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने रेगुलर जाल लगे हुए हैं 2-3 फ्लैट्स में, बट हाँ हमें भी लगवाना पड़ेगा आई थिंक। तो गाइज मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और बस टाइम हमारा 10 o'clock होने वाले हैं, 15 मिनट्स रहते हैं, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर हम जाते हैं यूवी को लेने के लिए। तो गाइज टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ यूवी को लेने के लिए। आई होप कि सब कुछ ओके हो वहाँ पे और सेटल हो गया हो, बट वहीं जाके पता चलेगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं था, हम लोग 1 घंटा तो कैसे निकला पता ही नहीं चला, बट अभी देखते हैं वहाँ पहुँच के कि क्या स्टेटस है उसका। फिंगर क्रॉस। सो गाइस 10:08 हो चुके हैं, मैं निकल चुकी हूँ अभी। आई थिंक 10:12 तक मैं पहुंच जाऊंगी, रश नहीं हुआ तो, जाम नहीं हुआ तो। गाइस 10:14 हो गए हैं, 10:14 हो गए हैं और मैं टाइम पे हूँ, मतलब 10:15 तक स्कूल तो मैं पहुंच ही गई हूँ। यहीं कहीं पार्क कर दूं, तो यहाँ तो पार्किंग से निकालना है, इज अ वेरी बिग टास्क। पार्किंग आगे करते हैं पार्क आज। यहाँ से इजी हो जाएगा, वेरी गुड नाइस पार्किंग। तो गाइस मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसे मतलब वो रिएक्ट करता है, मुझे देख के खुश होता है कि रो रहा होगा पता नहीं, आई डोंट नो, देखते हैं। हेलो मैम। हाय। सेंड करो कोई जरूरत तो नहीं। प्लीज प्लीज गो इनसाइड। हेलो। हेलो मैम। हेलो मेरा बेबी। मैम पीरा छोटा बच्चा। सो लकीली ऑल ऑफ देम वर नहीं आए।
आया, मम नहीं आया। अरे मेरा बेटा अच्छा दैट्स ओके दैट्स ओके तो किसके फादर छोड़ के गए थे वो बोल रहे थे बहुत रो रहा था मैंने कहा यार छोड़ना तो पड़ेगा हाँ सब स्लाइड्स में थे वहाँ पे और सब स्लाइड कर रहे थे एक्टिविटीज की मैम आज उन्होंने कोई प्रेयर की मैं सेटल मोड में रहे तो मैंने बहुत देर बाहर रखा था देन वी गॉट द रैबिट आल्सो आउट सो दैट वाज वही दैट वाज द एक्टिविटी फॉर एन अच्छी मेमोरी रहे फॉर देम ओ वाओ सो दैट कल हैप्पी सो दे आर वेरी हैप्पी विद द रैबिट्स आल्सो आपको तो जाना नहीं होगा यू अब चलो यहीं रह जाओ अब हम जा रहे हैं बाय ऐसा नहीं कि आज से लिपट गए हो मम्मा दैट्स वेरी नाइस वेरी नाइस आई एम सो ग्लैड मैं तो घर पे ऐसे सो रही थी भाई क्या होगा क्या होगा मैंने कहा 10 बजे और मैं निकलूं जल्दी से बिल्कुल हाय विराज विराज बेबी ओ हेलो आई एम गोइंग बेबी बाय ओ भाई ये क्या मतलब है भाई एक ही दिन में इडली इडली भाग गई क्या तुम्हें इडली अच्छी लग रही है माँ अच्छी नहीं लग रही तुम्हें आज शक्ल तो दिखा दे अपनी ओ वो तो शर्माने बैठ गए चलो हो गया डन चलो डॉग इज स्लीपिंग चलो ओप्सी आजू चले चलो चलो इडली साथ में रखो साथ में साचे दरबार की ये आई लव यू मेरी जान लाइट बंद है आज ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे ओ ये तो लाइट है यहाँ पे मेरी सॉक्स हो चुकी हैं गीली और ये जो हैं यूवी जी सॉक्स लेने के लिए गए हैं मेरे लिए स्पेशल अपनी ड्रॉर में से और अभी देखो क्या लेके आता है ओहो स्कूटर ले आए हो सॉक्स लेने गए थे ना आप तो सॉक्स लेने गए थे स्कूटर ले आए ओ बाबा चलिए मम्मा यहाँ से आए वहां से आए चलो आप जाओ यहाँ से स्विंग्स बहुत ज़्यादा करा है इसका बिल्कुल मन नहीं है स्विंग्स करने का आराम से लेटे पड़े हैं सो रहे हैं मतलब कोई लेने देना नहीं है ना आपको ये भी स्कूल में ज़्यादा स्विंग्स कर ली थी क्या अब मन नहीं कर रहा स्विंग्स करने का आपका नहीं कर रहा मन चले फिर ऊपर चले चलो ऊपर चलते हैं लेट्स गो चलो ऊपर चलो यहाँ सोने से अच्छा ऊपर जाके सो जाओ पहले मुँह वाली बाइट फिनिश कर लो चलो फिर यू भी तो गंदी अच्छा यू भी खा ले पहले बाद में मस्ती मारेंगे इससे बात करो तो मार्शे हंसते हैं तो गाइस हम लोग आ गए हैं वापस ऊपर और अभी हमारा हो गया है लंच टाइम यू भी लंच करें ही इज डूइंग हिज बिजनेस सो इसीलिए ये इस पोजीशन में है तो हम लोग लंच करते हैं फिर उसके बाद जाएंगे हम दर्श को लेने के लिए सो गाइस दर्श स्कूल से आ गया है और यूवी जो है वो सो चुके हैं तो आराम से ये कपड़े चेंज कर रहे हैं अच्छे से करने हैं ना पता है ना कैसे करने अच्छे से सब सेट वेट करके रख दियो ठीक है ओके उसके बाद फिर लंच करते हैं सो गाइज हो गया है हमारा टी टाइम आप लोग भी चाय पी लो
ये जो डायलॉग था ना बीच में, टिकटॉक में भी बड़ा फेमस हुआ था, हेलो गाइस चाय पी लो, क्या पेतू का सा टिकटॉक था ना वो, मतलब सीरियसली बता रही हूँ मैं, क्या मतलब है ऐसे कैसे तुम कैमरे में से चाय पिला दोगे? अगर दादा कोई हिम्मत है तो अपना एड्रेस डालो डिस्क्रिप्शन में, आए तुम्हारे घर सारे चाय पीने, मतलब ये ऐसी चीज़ें बीच में आने लग गई थी ना। हेलो गाइस, और इतनी मतलब वो तो ऐसे वायरल हुई थी, पता नहीं कैसे, हमारी तो कोई चीज़ वायरल नहीं होती, हमारी तो ना कोई रील वायरल होती है ना कोई टिकटॉक वायरल हुआ था, और ब्लॉग्स तो अब आप लोगों के भरोसे है वैसे भी, वही वाली बात है। हेलो यूवी, यूवी उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा, आज का जो ये ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, कोई नई लाइन मुझे सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि मुझे अपना ब्लॉग कैसे एंड करना चाहिए, क्योंकि ये लाइनें अब जो हैं वो थोड़ी पुरानी लगने लग गई हैं, तो कुछ डिफरेंट आइडिया देखने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे पास तो यही घिसी पिटी लाइनें हैं, तो इससे बेटर है कि यूवी ही इस ब्लॉग को एंड करे। यूवी व्लॉग को एंड कर दो बेटा, आप कैसे करना चाहोगे? आप व्लॉग को एंड कर दो। माशा बेर बंद हो गया ना, बाय बाय, मम्मा को देख पहले बोल बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय, बोलो बाय, सी यू टुमारो, बाय मोरो, बाय मोरो, सो बाय मोरो, आई मीन बाय, सी माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, जय माता दी, जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय।